प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं हलके का दौरा कर पेयजल व लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस मौके पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण व शहरी इलाकों का समान विकास कर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में अहम रोल अदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग आजकल अपने गृह विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राजेंद्र गर्ग ने जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग से संबंधित कई योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जल शक्ति विभाग के कोल डैम घंडालफी स्कीम की आधारशिला रखी। वहीं कोलडैम की विभिन्न स्कीम्स पर 53,20,00,000 रुपए खर्च होंगे। आसपास की पंचायतों के 55,000 से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद उन्होंने भराड़ी लड्यानी व सुमाड़ी उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया, जिसे लंबे समय से ग्रामीणों को पीने की पानी की समस्या से निजात मिलेगी। राजेंद्र गर्ग ने लोक निर्माण विभाग के मिहाड़ा खिल दलोटे लोहट संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने जीपीएस मिहारा प्री नर्सरी क्लासरूम का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को पानी, बिजली, सड़क व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का लगातार प्रयास करती आई है और आगे भी प्रदेश सरकार ग्रामीण व शहरी इलाकों का समान विकास कर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में अहम रोल अदा करेगी। मैं आपको एक और बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा भराड़ी के स्कूल के अंदर घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए एक बड़ी स्कीम पीने के पानी की, जो कि कोल डैम का पानी उठाकर जहां से लाया जाएगा और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी हमारी स्कीमें हैं उन सारी स्कीमों को वहां से फीड किया जाएगा। ऐसी जल जीवन मिशन के तहत 53,00,000 रुपए की बड़ी स्कीम का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और उसका काम भी सभी क्षेत्रों में जोरों पर चला हुआ है। जहां से पानी उठाना है वहां भी काम जोर पर चला है और जहां जहां टैंक बनने हैं, चाहे वो त्यून की बात हो, चाहे आपके लद्दौर की बात हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में और इन सारे टैंकों को जोड़ने का, उस स्कीम से पाइपलाइन बिछाने का काम, ऐसे सारा का सारा काम पूरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चला हुआ है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2007 से 2012 के बीच में रही है, तब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के आशीर्वाद से ये स्कीम हमको मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अगले 5 साल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और इस में जो काम, जो आज जिसका लोकार्पण हुआ है, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।